हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और आसान सा डिजाइन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत इजी डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके के डिजाइन आप इजीली डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको इवन नंबर में फंदे लेने होंगे, यहाँ की दो से यानी कि दो से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नंबर आप इसमें ले सकते हैं। अब देखिए, इसकी पहली रो से मैं बताऊंगी और इसको आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, कैप में, स्वेटर में, कार्डिगन में, जिसमें आपको डालना है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सल पैटर्न है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सीधी साइड से पहली रो सीधी साइड से आएगी, तो मैं यहीं से आपको बता रही हूँ, फर्स्ट रो से बता रही हूँ मैं। तो एक फंदा उतारेंगे, बाकी सारे फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। ये एक फंदा उतारते इसलिए हैं क्योंकि आपके एज अच्छे आ जाते हैं उससे। तो आप छोटी छोटी टिप्स अगर याद रखेंगे तो आपकी बहुत काम में आएंगे। तो ये पहला फंदा उतारने से आपके एजेस अच्छे आते हैं। इस पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने पहली लाइन सीधी साइड से सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड से भी, सेकंड रो उल्टी साइड से पहला फंदा हम उल्टे में उतारेंगे क्योंकि ये उल्टी लाइन है, और बाकी सारे फंदों को ऐसे सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना देंगे क्योंकि यहाँ पे हम उल्टी साइड में हैं। अब तीसरी रो सीधी साइड में, देखिए एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब एक फंदे को स्लिप करेंगे इस तरीके से, धागा अपनी तरफ करेंगे पहले और एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। पूरी रो को रिपीट करेंगे। देखिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा इस तरीके से उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, ऐसे उतारा इसको, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर आगे किया, ऐसे आगे करते रहना आपने बार बार, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से पूरी लाइन बनाएंगे। बहुत इजी डिजाइन है, जैसे कि मैंने पहली बताया है। तीसरी रो है इस डिजाइन की, फिर धागा आगे स्लिप करेंगे, धागा पीछे बुनेंगे, फिर उतारेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके उतारेंगे, धागा पीछे सीधा बुनेंगे। तो पूरी रो को इसी तरीके से बनाने के बाद लास्ट में आप जब ये बुनेंगे तो आपके पास ऐसे स्लिप करके लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा। आप पलट लेंगे चौथी रो उल्टी साइड में, यहाँ पर भी हमने जो पहला फंदा है इसको ऐसे उतारना है। अब देखिए, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, इसको स्लिप किया, धागा आगे, इसको बनाया, उल्टा बनाना है इस बार, ऐसे उतारा, धागा अपनी तरफ, इसको बनाया, फिर धागा पीछे, उतारा, उल्टा बनाया, ऐसे उतारा, फिर उल्टा बनाया। तो धागा हमने उस साइड रखना है, ऐसे और ऐसे उतारना है, फिर धागा आगे लाके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इसको उतारेंगे, धागा आगे लाके बनाएंगे, फिर ऐसे करते हुए जाएंगे पूरी रो को। जो हमने उधर भी उतारा था उसको इधर भी उतारना है, और धागा ऐसे पीछे रख के उतारना है ऐसे, और ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए, जो स्लिप किया हुआ फंदा है वो आपका अलग ही दिख जाएगा, ऐसे उतारा, फिर
लास्ट में ये बनाया और एक और फंदा बना लिया एच का। ये देखिए चार लाइंस हो गई हैं। अब पांचवी रो को पूरा सीधा बनाएंगे। जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी वैसे इसको एक फंदा उतारा और पूरी लाइन को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए पांचवी रो को सीधा बनाया। अब छठवीं रो को उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे। जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी ऐसा फंदा उतारा, उल्टे में उतारना है और सारे फंदों को हमने सीधा बनाना है ऐसे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बना देंगे। अब सातवीं रो सीधी साइड में देखेंगे इसको। सातवीं रो सीधी साइड हमने थर्ड रो की तरह बनानी है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा उतारा। अब हमने यहाँ पे पहले ये फंदा बुना था, इस बार हम इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करके स्लिप करेंगे और धागा पीछे कर देंगे। अब अगले फंदे को बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए उतारेंगे धागा आगे करके, फिर पीछे करके बुन देंगे, फिर ऐसे। अब ये पूरी रो ऐसी कंटिन्यू होगी क्योंकि हमने शुरू में तो जैसे करना था वो कर लिया। अब स्टार्टिंग में ही चेंज होता है आपका, बाकी पूरी रो को वैसे रिपीट करते हुए जाना है। ये उतारा धागा पीछे ये बनाया, ये उतारा धागा पीछे बनाया, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे पूरी रो को। लास्ट में देखिए आपके पास दो फंदे सीधे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, उल्टी रो हम वैसी बनाएंगे जैसे हमने फोर्थ रो बनाई थी। ये फंदा उल्टे में उतारेंगे। अब ये फंदा हमने बनाया था तो इसको बनाएंगे ऐसे, धागा उधर करेंगे, जो स्लिप किया था उसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ बनाएंगे, धागा उधर स्लिप करेंगे बनाएंगे, धागा उधर स्लिप करेंगे और बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे इस बार ऐसे। उल्टी साइड से हमें उल्टा बुनना है और सीधी साइड से सीधा बुनना है। इस पूरी रो को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए आठ लाइन बनाने के बाद ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा और आपको यही आठ लाइंस रिपीट करते हुए जाना है, आपका डिजाइन बनता हुआ जाएगा। बहुत सुंदर सा डिजाइन है, एक से आठ तक आप इनको रिपीट करते हुए जाइए। तो फिर बनाइए, डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हुआ लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।